योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। मैं आज आपको इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में वो सभी तमाम बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो बताऊंगा। दोस्तों इस विषय पर आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको सरल भाषा में इसके कार्य के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में और वो सभी तमाम खूबियाँ उन सब के बारे में सरल भाषा में समझा पाऊँ। और दोस्तों वो एक गलती जो हम अक्सर करते हैं जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों अगर आप परिपक्व हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रगलर हैं दोस्त, जो नए हैं, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल भाषा में इसके सभी फंक्शनों के बारे में मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिलसिलेवार इसके हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करूँगा और इसके कार्य के बारे में बताऊँगा, इसके कनेक्शनों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों अक्सर आपने इसको लगभग कैरियर के एयर कंडीशनर में देखा होगा, डेकिन के एयर कंडीशनर में देखा होगा, आउटडोर में। लगभग दोस्तों इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर सप्लाई सीधे आउटडोर में दी जाती है। खासकर आपने देखा होगा कि डेकिन और कैरियर में सप्लाई सीधा आउटडोर में दी जाती है, और लगभग नॉर्मली जो सप्लाई होती है वो इंडोर में आपको मिलेगी, एलजी के एसी में, सैमसंग के एसी में, यानी कि ज़्यादातर इसमें जो मेन सप्लाई होती है वो इंडोर में होती है, लेकिन जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लगा है वहाँ पर आपको सप्लाई आउटडोर में मिलेगी। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, ये एक पॉइंट यहाँ होता है दोस्तों और एक पॉइंट ये यहाँ होता है। ये जो दोनों पॉइंट हैं, अगर आप इन पर कंटिन्यूटी मीटर लगाओगे तो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये उन संपर्कों से अटैच हैं जो इस बॉक्स के अंदर हैं, यानी कि उन कॉन्टैक्ट पॉइंटों से अटैच है जो इस बॉक्स के अंदर है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं बोलेगी। देखिए दोस्तों मैंने इसको लगाया, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं बोली, और इसके आगे वाली साइड में दो पॉइंट और हैं, इस पर मैं लगाता हूँ, इस पर देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी बोल रही है। यानी कि दोस्तों ये दोनों कनेक्शन सीरीज़ में हैं, यहाँ पर हम फेस को लगाएंगे और यहाँ से हम फेस ले लेंगे, लेकिन वो जब लेंगे जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन कॉन्टैक्टों को अपनी तरफ खींचेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो ये पॉइंट है आप सीधा देख सकते हैं, ये पत्ती सीधी जुड़ी हुई है, यहाँ से हम न्यूट्रल को लेते हैं, यानी कि वो न्यूट्रल जो हमें कॉमन्स के लिए चाहिए, हमारे कंप्रेशर के लिए या फिर फैन मोटर के लिए चाहिए या फिर किसी भी अन्य कंपोनेंट के लिए हमें न्यूट्रल का इस्तेमाल करना, तो हम यहाँ से लेंगे। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हमें इन पॉइंटों पर फेस देना है, यहाँ पर फेस आएगा हमारा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से वो फेस निकलकर हमारे कंप्रेशर में जाएगा, लेकिन वो जब जाएगा जब हमारे इंडोर से 240 वोल्ट हमारे इस पॉइंट पर आएगी। यानी दोस्तों ये थिंबल है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की, फेस यहाँ आएगा और न्यूट्रल दोस्तों हम यहाँ दे देंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले फेस और न्यूट्रल से ही कार्य करती है। अक्सर आपने देखा हुआ जो हमारी रिले होती है कंप्रेशर की, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस पर कार्य करती है, इसलिए उसे हमें फेस देना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही इसके अंदर हमें हमारा फेस आएगा तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी, और वो फोर्स जो इस बॉक्स में प्लंजर है उसको अपनी तरफ खींचेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक से, जिससे कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और जो हमारा फेस यहाँ पर इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर उसकी सप्लाई आ जाएगी और हमारा कंप्रेशर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में पावर आएगी, फोर्स आएगी जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक को जागृत करेगी, वो मैं आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक परिभाषा से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये एक स्विच ही है। दोस्तों कॉन्टैक्टर एक विद्युत नियंत्रित स्विच है जिसके संपर्कों कॉन्टैक्ट्स, यानी कि दोस्तों जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये टूटे हुए हैं दोस्तों, ये खराब है, जो ये कॉन्टैक्ट्स दोस्तों, कॉन्टैक्टर एक विद्युत नियंत्रित स्विच है जिसके संपर्क कॉन्टैक्टर द्वारा बड़ी मात्रा की विद्युत की शक्ति को बंद या चालू किया जाता है। यह कॉन्टैक्टर की एक परिभाषा है बिल्कुल सरल भाषा में, यानी कि हम यहाँ पर फेस देंगे और ये कॉन्टैक्ट जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पावर में आएगी
तो ये इन कॉन्टैक्टों को अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है, ये देखिए स्प्रिंग भी है, जिससे कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बिल्कुल मजबूती से यहाँ पर चिपक जाएंगे, देखिए यहाँ पर चिपक जाएंगे और सप्लाई यहाँ से यहाँ चली जाएगी और हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक सरल भाषा है कि कॉन्टैक्टर एक विद्युत नियंत्रित स्विच है जिसके कॉन्टैक्ट के द्वारा बड़ी मात्रा की विद्युत की शक्ति को बंद या चालू किया जाता है, यानी कि ऑन ऑफ किया जाता है। जब यह ऑफ की स्थिति में हो दोस्तों तो ये कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ होंगे, यानी कि ऐसे उठे होंगे, और जब इसको फोर्स मिल जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले को, ये चिपक जाएंगे इससे, और जब तक चिपके रहेंगे जब तक कि हम यहाँ की सप्लाई बंद ना कर दें, यानी कि इनडोर से सप्लाई आना बंद ना हो जाए। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। यह अधिक पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने के लिए बने होते हैं, यानी कि ये पावर का प्रसारण करते हैं अपने इन कॉन्टैक्ट पॉइंट द्वारा, और इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं दोस्तों ये प्राय खुले रहते हैं, यानी कि ये ऑफ की स्थिति में ओपन रहेंगे ऊपर की तरफ, और जैसे ही इसको पावर मिलेगी तो ये इसे चिपक कर इस सप्लाई को इस सिरे पर दे देंगे, यानी कि इस पोल से इस पोल पर दे देंगे, इसलिए इसे सिंगल पोल कहा जाता है और ये सिंगल पोल का ही कॉन्टैक्टर है। आपको ये कॉन्टैक्टर डबल पोल के भी मिलेंगे, थ्री पोल के भी मिलेंगे, सिंगल फेस के मिलेंगे, डबल फेस के मिलेंगे, थ्री फेस के मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है कि ये इस हमारी रेफ्रिजरेशन लाइन में इस्तेमाल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल लाइन में ज़्यादातर काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा होता है। एक भ्रांति मैं और दूर देता हूँ दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर है रिले की भांति ही, ये भी विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगी तभी ये कॉन्टैक्ट चिपकेंगे, और इनमें बहुत कम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम दोस्तों इनमें काफ़ी कम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, और इस कम विद्युत के इस्तेमाल से हम बड़ी विद्युत को जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि इन्हें बंद कर सकते हैं, इन्हें ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात में ध्यान रखनी है कि यह सर्किट ब्रेकर की भांति काम नहीं करेगा दोस्तों। कभी आप सोचते होंगे कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट आगे हो जाता है तो ये एमसीबी की तरह ट्रिप कर जाएगा, ये ट्रिप नहीं करेगा, ये या तो चिपका ही रहेगा, या फिर अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में फॉल्ट आ जाता है या इसकी विद्युत कम हो जाती है तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हटेंगे। इसका बेनिफिट भी यही है, मान लीजिए अगर हमारी लाइट पीछे से कम आई हुई है, इनडोर से हमारी सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रही और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूरा नहीं बन रहा, तो ये कॉन्टैक्ट आपस में नहीं चिपकेंगे, वो मैग्नेट नहीं बन पाएगा, जिससे कि हमारे कंप्रेसर की एक सेफ्टी हो जाती है, इसलिए कॉन्टैक्टर का ये एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। और दोस्तों आपको जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है ये आपको डीसी वोल्ट में मिल जाएगी, डीसी वोल्ट से भी ऑपरेट हो सकती है, और आजकल तो बाजारों में यूनिवर्सल कॉइल भी आती है दोस्तों जो एसी और डीसी दोनों पे काम करती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें उसी रिले का कॉन्टैक्टर लेना चाहिए जो हम विद्युत हमारे सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, जिससे एक बेनिफिट बना रहता है। अब वो गलती जो अक्सर हम करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम फेस देंगे, यहाँ से फेस कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगी, यहाँ पर भी न्यूट्रल आ जाएगी, यहाँ पर जो हम फेस देते हैं जो हमारा इनडोर से आता है, कई बार आउटडोर ऐसी जगह लगे होते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा मतलब हिल डुल नहीं सकते, और उस थिम्बल को जो इनडोर से आती है इस पर लगाते हैं, तो दोस्तों इस पर हम कुछ सपोर्ट ना देते हुए काफ़ी ज़ोर से लगाते हैं, वो थिम्बल टाइट होती है जिससे कि वो इसमें फंस नहीं पाती, और ये बिल्कुल नाजुक होती है दोस्तों ये पत्ती, और ये जैसे हम ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट जाती है, और अक्सर ये गलती हम बार बार करते हैं, क्योंकि इन थिम्बलों के साथ देखिए एक वायर जुड़ी हुई है जो कि हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल की है, और जो कि फिर ब्रेज भी नहीं हो पाती, मैंने भी एक बार कोशिश की थी जो ब्रेज भी नहीं हो पाती, इसलिए आप जब भी इस पर थिम्बल लगाएं इस पॉइंट पर जब कॉन्टैक्टर को बदलते हुए, तो आप इसको सपोर्ट दे दें हाथ से नीचे की तरफ से, या फिर इसको करके रखें और फिर इस पर थिम्बल लगाएं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी दोस्तों वो बातें जो एक कॉन्टैक्टर के बारे में आपको जानना चाहिए थी। मैं आपको इसके कंपोनेंट को भी अलग करके दिखाता हूँ जिसे हम आसानी से खोल सकते हैं। अगर आपका नया कॉन्टैक्टर तो आप इसे ना खोलें, ऐसा ना करें, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए ख़राब पर ही आप ये एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक बनता है और ये अपनी तरफ खींचता है उस, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग भी लगे हुए हैं,
देखिए दोस्तों, मैंने इसका पूरा ही इसकी ऑटोप्सी कर दी है मैंने। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इन स्प्रिंग के लिए दिए हुए हैं, ये ऐसे लगा होता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये ऐसे लगा होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, ये ऐसे चिपक जाता है। और दोस्तों, अक्सर ये कोयल ख़राब होती है, ये बाज़ार में अलग नहीं मिलती, इसलिए आपको पूरा कंडक्टर ही बदलना पड़ता है। और जब भी आप कंडक्टर की इन थिम्बलों पर वायर लगाएं, तो इसके नीचे सपोर्ट अवश्य दें हाथ से, और तब वो आप थिम्बल लगाएं, नहीं तो कई बार ये टूट जाती हैं और फिर आप इन्हें दोबारा से नहीं लगा सकते दोस्तों। और ये जब गर्म होने के से थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों, ये कमज़ोर होकर ही टूट जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये बिल्कुल आप जैसे जो लगाएंगे तो ये टूट जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये है इसका मैकेनिज्म, इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञान वीडियो आपके लिए तरूंगा। धन्यवाद दोस्तों।